नर्मदे हर सीताराम, माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हुए 53वें दिवस। स्वामी जी प्रणाम आपको। जय माता दी। कैसे हैं आप? ठीक ठीक। ये सवाल बहुत खतरनाक है, कैसे हैं आप? माँ की कृपा से नर्मदा तट पे सब आनंद में ही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नर्मदा की कृपा है। तो स्वामी जी आपसे बहुत कुछ जानना है। जी, जी, जी। तो चूँकि आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, तो विद्यालय के बारे में पहले जानना है। विद्यालय इसलिए भी पहले जाने की कोशिश है क्योंकि विद्यालय हमारे जीवन के निर्माण की सबसे प्रमुख आधारशिला है। जी जी। 2015 से जो है ये यहाँ पर स्थापना हुई विद्यालय की। शुरुआत में सबसे पहले विद्यालय को स्थापित किया गया जी। तो करीबन 70-80 बच्चों से हम लोगों ने शुरुआत करी क्योंकि समय उस समय कम था। एक महीने में हमने इस पूरे विद्यालय को सेटअप किया और फिर स्टार्ट किया। आसपास के जितने भी गरीब परिवारों के बच्चे हैं, संस्था उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाती वा, है वा, वा, वा। और साथ में ही गुरुकुल में जो है वो 40-50 बच्चे रहते थे, अभी कोविड के कारण थोड़े से कम हो गए। आवासीय 60 बच्चे थे यहाँ पर जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट पूर्ण रूप से निःशुल्क एक जोड़ी कपड़े में यहाँ पर माता पिता छोड़ जाते थे। संस्था उनका हर शैक्षणिक से लेकर हर चीज का जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का जो है वो ध्यान रखते हुए उनके शैक्षणिक जीवन को आगे बढ़ाती हैं। सुन के बहुत बहुत हमें खुशी हो रही है। और स्वामी जी का हमेशा ये प्रयास रहा कि यार बच्चे शैक्षणिक के साथ साथ में ऐसी भी चीजें जो उनके अंदर गॉड गिफ्टेड हैं, हम उन लोगों को निकाल पाए। तो जो बच्चा जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उसकी जो संभावनाएं दिखती हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको उस ओर आगे ले जाएं। जैसे एक बच्चा जो पीछे आ रहा है, ये बच्चा बहुत छोटे उम्र में आया था पढ़ने के लिए। आप सामने आ जाइए आशीष। अरे ये छोटा बच्चा, कितनी उम्र में आप आए थे? 11 साल का था, 5th क्लास में। अभी कितनी हो गई? मैं भी 24 साल का हो गया। 24 साल, 11 और 24, मतलब अभी नवंबर में मैंने सीए फाइनल के एग्जाम दिए हैं। फाइनल एग्जाम दी है। एक बच्चा हमारा जो है जिसने अभी पीएससी की एग्जाम दी, मेंस क्लियर कर ली और उसका भी इंटरव्यू है। वा, वा, वा। तो दो बच्चे हमारे जो अमरावती में है वो फिजियोथेरेपी की वो कर रहे हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि यार जो अच्छा हो बच्चे के अंदर से, जो निखर के आ जाए, हम उस फील्ड में आगे बढ़ाएं। कि न सिर्फ ऐसा म्यूजिक में है, संगीत में है, इस प्रकार अलग अलग स्वामी जी ने एक पूरा वो सिस्टम बना रखा है कि यार हम उन चीज़ों को आगे बढ़ा पाएं उन बच्चों को। सीधे स्वामी जी के पास अब हम जाते हैं। स्वामी जी, कैसे इस जीवन में आपका आना हुआ और पूरा जो आपका अनुभव है वो, जिन बातों को आप हमारे साथ साझा करना चाहें, उन्मुक्त मन से, अपने अपने खुद के भाव से जो चाहें आप हमारे साथ साझा करें। हम लोगों का जो बेसिक जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बच्चों पे आश्रित है, बच्चों पे आधारित है जी। हम लोग लगभग 2000 में ओंकारेश्वर से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जी। 99 में इनफैक्ट वी बिल्ड द पूरा कैंपस, वो स्टार्ट हुआ। और वहाँ से जो देखा बच्चों में एक राष्ट्र जो है, हमारा जो देश है जी, उसके निर्माण में जो आधारभूत भूमिका है वो है शिक्षा। यदि इस देश के बच्चे अनपढ़ रह जाएं तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले देखा ओंकारेश्वर में जो हमारा ज्योतिर्लिंग है जी, बच्चे भीख मांग रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। तो हम लोगों ने जब भी उस समय एग्जाम्स हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, PhD इन फिलोसफी, तो वो सब फिनिश करके जैसे ही पहुँचे तो देखा कि बच्चों को थोड़ा सा इस देश को आवश्यकता है। आज हम अपना पढ़ के, अपने ही स्वार्थ के, अपना परिवार ना पालें, समाज के लिए कुछ बहुत, करें, बहुत दें, बहुत जो मिला वो दें। तो ओंकारेश्वर से शुरू किया, वहाँ भीख मांगते बच्चे, तो लगभग 10-12 साल वहाँ काम किया। वहाँ आप देखो, आप जो बैगर्स बहुत कम हो गए, बच्चे एटलीस्ट यू विल नॉट सी। उसके बाद फिर हम लोग मूव करते हुए इस तरफ आए, यहाँ देखा पूरे गांव देखेंगे आप तो करे रहे हैं, परिक्रमा में देख रहे हैं, तो गरीबी बहुत है, रिमोट एरिया है। जो जो चाहता है बोलता है सब हम सिटी में जाएंगे जी जी, हम वहीं पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट दिस चिल्ड्रन, ये तट पे क्या होगा, माँ के तट पे? अच्छा, पोटेंशियल बहुत है, हमने ये भी देखा, इतने वर्षों का अनुभव है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कोई वर्क नहीं करना था। आज हमारी जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ शिक्षक नहीं मिलते, रिमोट में कोई आना ही नहीं चाहता। सब कहाँ जाना चाहते हैं पढ़ लिख के? शहर, शहर से विदेश। अपना देश है जहाँ हमारी जड़ें हैं, अपनी संस्कृति है, जिसको कुछ बचाना, जिसके लिए कुछ करना है, बस ये संकल्प लेके माँ के जो नर्मदा की आशीर्वाद से लगे कार्य कर रहे हैं। आनंदमयी माँ हम लोगों की गुरु हैं,
और माँ का जो शिक्षा है वो सब भगवान है। माँ के साथ आप कब जुड़े और कैसे जुड़े? माँ के साथ मैं डायरेक्ट तो आई हैव नॉट सीन है, हम लगभग 89 में आए, तो माँ के जो आश्रमों में जुड़े जी, तो माँ की जो सर्व प्रमुख शिक्षा है कि सब भगवान है, जो हमारी वेदों की शिक्षा है, रामायण की, सब 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 भगवान है। चलते चलते आप अभी, तो जब सब भगवान है तो फिर हम इस तरफ से आप आएंगे और इधर से कवर करेंगे। हाँ, तो सब भगवान है, शिक्षा को प्रमुखता से रखते हुए जो बच्चे जो दिखते हैं उनमें ये संस्कार आए कि जो भी है ये पेड़ पौधे ये, इसलिए आप देखो एक बार थोड़ा सा घुमाओ, बिल्कुल ये देखिए, तो ये हमारे सब बच्चों के प्रत्यक्ष देखा है कि पेड़ बोलते हैं, पौधे बोलते हैं, गाय बोलती, माने कुछ भी ऐसा नहीं है जो केवल स्थूल है, एवरीथिंग इज लिविंग, एवरीथिंग इज डिवाइन। स्वामी जी, एक सवाल मेरे मन में है जी, जिससे आप कभी मिले नहीं, केवल आपने उनके बारे में जाना और उनकी बातों को सुना, उनके बारे में सुना। हम ऐसे दौर में हैं कि जल्दी किसी का असर किसी पर हो जाए, ये बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है जी। हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाने में आजकल लगा हुआ है, ये बहुत ईमानदारी से हम बात कर रहे हैं जी। ऐसे में एक साधक किसी से इतना प्रभावित होते हैं कि अपनी सारी चीज़ों को छोड़ करके उनके विचारों को, उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने में अपना जीवन लगा देते हैं, ये कैसे होता है सब? गुरु की जो वाणी है, वो प्रमुख है। मैंने जो अपना पर्सनल एक फीलिंग बताता हूँ, शब्द जो हैं वो ज़्यादा असर करते हैं जी। व्यक्तित्व की जगह हम कई बार ऐसा होता है कि देखते हैं कि साधु दाढ़ी में मूछ लगा है, तिलक किया हुआ, यही साधु होगा। जिसकी शिक्षा जिसके शब्दों में, जिसका अनुभव है, वही गुरु है, वही मार्गदर्शन हो सकता है। हम भ्रम में जीते हैं कि बाहर से दिखावा हो गया पर उसमें फंस जाते हैं फिर। तो शब्द, जब माँ के आप शब्द सुनेंगे इतनी गहराई से आते हैं और इतने सरल, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, एकदम अनपढ़ थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति अपने ज्ञानी जैल सिंह, सभी नेता भिखारी से लेके राजा तक माँ के चरणों में बैठा। आप लोग यूट्यूब पे देखें वीडियोस माँ के सब, तो माँ की वाणी जब आप सुनेंगे, हम लोगों का इटसेल्फ माँ शरणम नाम से एक चैनल है, तो उसमें रोज माँ के वीडियोस आते हैं, माँ शरणम आप टाइप करें, रोज सुबह शाम माँ का सत्संग होता है। माँ के शब्द इतने सरल और इतने हृदय से जाते हैं कि लगता नहीं कि फिर हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए या कुछ, बिल्कुल बाहर का दिखावा फिर गौण है। जब आप इस सफ़र पर चलना शुरू किए तो घर वालों का कुछ प्रतिक्रिया रहा होगा ना, समझाने का? या घर वालों का तो देखो नेचुरल है, बाबू ये क्या कर रहे हो स्वामी जी, कैसे कहा बाबू जो जी, है जी, रास्ता जी, क्यों चुन रहे हो? मैं उन कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ जी, जिसके परिवार में पिता भी, दादा भी, पूरी फैमिली ही संतों से जुड़ी हुई इस आध्यात्मिक मार्ग में रही है। मेरे पिताजी 40 इयर्स ही इज स्टिल गिविंग फ्री ऑफ मेडिसिन, आज भी वो दवाई करते हैं जी जी, और निशुल्क इंदौर में कई जगह, माने उनके पेशेंट्स आप देखेंगे, पापा का नाम भी पता है, डॉक्टर अमरीक सिंह है जी, अद्भुत हैं। उसके बाद मेरे भाई इज ऑल्सो, माने उनका भी अद्भुत, सब भैया का फील्ड क्या है, कार्यक्षेत्र एजुकेशन, उनका कॉलेज है जी, तो इंदौर में कॉलेज का नाम बताया, कॉलेज का नाम क्या है, इंदौर, इंदौर तो वो कॉलेजेस में जी जी, लेकिन ही इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, वो आके सैटरडे संडे यहाँ रहते हैं। वाह, तो माने पूरा फैमिली, तो कभी एक बार भी ऐसा नहीं बात हुई कि तुम ये फील्ड क्यों चुन रहे हो, क्योंकि हमको सबको जो माँ की शिक्षा है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र भगवत साक्षात्कार, हमारा कर्तव्य केवल और केवल भगवान को जानना है। उधर भी तो शॉर्ट रिकॉर्ड, नानी फ्रेंच हैं,
बच्चों को हिंदी पढ़ाती हैं। ओले बाबले, कैसी हो बच्चों? बच्चा कैसा है? घुटने का वर्क हो रहा है, बहुत अच्छा। आप एक अलग तरीके से भी साइकिल चला सकते हैं, एक पार्टनर ढूंढना है बच्चा को, और इधर इसको पकड़िए ना बाबू, इधर आओ मेरे साथ, इस तरफ से आने का, हाँ इधर आओ, और ऐसे भी बहुत मजा आएगा आपको साइकिल चला के। हम बचपन में ऐसे ही चलाते थे। इधर पैर लगाओ, ऐसे ऐसे उठाओ पैर, ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत बढ़िया यार दादी। साइकिल कैसे चलाते हैं देखो। आप सबको दिखाइए कितनी खुशी के साथ सब लोग मुस्कुराए हंसे, और ये गुदगुदी जो है बहुत बहुत मन को तरोताजा कर देती है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कैमरे पर हों और कैमरे पर काम कर रहे हों तो किसी भी व्यक्ति को सामने से क्रॉस ना करें। कई बार ये गलती हम करते हैं। यहाँ पर आधारशिला कब रखा गया, कैसे यहाँ पर? 2015 में जी, 2015 में हम लोग आए जी। उद्देश्य तो आपको बताया, जो इस क्षेत्र में गरीबी है, पिछड़ापन, रिमोट एरियाज है जी, तो वहाँ के लिए बच्चों के लिए कुछ किया जा सके जी, तो वो एक है पर्पस। इसे 2015 में हम लोग आए जी, और 2015 के बाद का ये सब आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सामने एक भवन है, गुरुद्वारा है जी। हमें सिर ढकना पड़ेगा यदि हम जाएं। जी जी, हमारे पास भी है, आपके पास भी है। अब आप यहाँ से इस तरह घुमाएंगे तो गुरुद्वारा का जो सारा दृश्य है वो हम देख पाएंगे। ये एक नए तरह का हम देख रहे हैं प्रयोग, सनातन धर्म के एक साधक के द्वारा स्थापित एक आश्रम में भगवान भोलेनाथ हैं, हनुमान जी हैं, वो गुरुद्वारा है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इंदौर से काफ़ी भक्त जो आते हैं जी, वो सिख फैमिली, सिख बैकग्राउंड जी, और माँ की जो शिक्षा है वो यूनिवर्सल है, सब एक ही है जी, सब जो हमारा सनातन धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, एक ही परिवार से है। तो यहाँ गुरुद्वारा भी है, यहाँ मंदिर भी है, सभी जो क्रिश्चन जितने फॉरेनर्स आते हैं वो ईसाई भी हैं, सभी हैं, सबका वेलकम है। तो कोई किसी के लिए, माँ तो माँ सबकी जगजननी है ना, माँ ये थोड़ी बोलेगी कि ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा मेरा, ऐसा माँ के लिए सब बच्चे हैं। ठीक, तो ये ऐसा स्थान नहीं बहुत हला, मैं तो बताऊँ, जब इनके गुरुद्वारे में जो शब्द गाते हैं गायक चंद, वो इतने भाव से गाते, इतना प्यारा गाते हैं, मन सीधे ना छू देता है उनके शब्द को, उनके गायकी। तो एक बार हम प्रणाम कर लेते हैं, फिर आगे की बातचीत में हम इसे जारी रखते हैं। एक और बात है सनातन धर्म के दर्शन में, विचार में, जब हम चीज़ों को समझते हैं, दर्शन को जानते हैं स्वामी जी, तो हमें यही सिखाया बताया जाता है कि सब जगह तो वही तुम्हारा वाला है। हाँ, तुम उस कहाँ से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो? माँ बहुत सुंदर बोलती है। हाँ, माँ बोलती पुकारोगे, हाँ जवाब तो एक ही देगा जी। जो आदि है ना, जो सनातन है, वही सब में शामिल है। बाद में हम बड़े होने के उपरांत एक किताब लिख दिए, तो उस किताब में हमारी कोई बात नहीं। हमने जो भागवत पढ़ा, पुराण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, रामकथा पढ़ा, रामायण पढ़ा, उसी का निचोड़ उसमें डाल रहे हैं, सब एक ही है। ठीक है, अब उसको हमने नाम दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी चीज़ें हैं। वो हमारे पूर्वजों ने जो संग्रहित किया, जो अनुभव राशि दिया ग्रंथों में, उसी को एक नए स्वरूप दे करके हाँ हमने कुछ लिख दिया। तो जो बहुत सारे पंथ मत आए, या उसमें मजहब को भी इंक्लूड कर दिया जाए, या और भी जो, तो इसका बहुत सीधा सा माँ कहती हैं, हाँ
जैसे आप किसी के बच्चे होंगे, आप किसी के, आप नहीं, हाँ, आप किसी के पति होंगे, हाँ, पुत्र भी है, किसी का पिता भी है, हाँ, किसी का भाई भी है, हाँ, किसी का पति भी है, हाँ, एक ही जब इतने रोल कर सकता है तो एक ही भगवान इतने रोल में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक ही। अब थोड़ी देख लिया हटा लेते हैं। आप तो राधा कृष्ण मंदिर में आप भी हटा लीजिए। अपने जीवन का कुछ सुंदर काल बिताना चाहते हैं तो स्वामी जी आ सकते हैं साधक जन। हाँ बिल्कुल, जो साधना जिसका उद्देश्य है केवल, हाँ, एकमात्र जी, ये साधकों के लिए आश्रम बनता ही साधकों के लिए जी। और जो गूगल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, वहाँ से भी आश्रम से जुड़ी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा वीडियो संवाद अनकट है, तो यहाँ इस अनकट दुनिया में आपका जो अनुभव होगा वो कुछ अलग, अच्छा, अपूर्व होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आप देख रहे होंगे ना, एक गोल्डन कलर का सीकर से जुड़ा हुआ रोकने जैसा प्रयत्न किया गया है, वो इसलिए क्योंकि शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं उसे लांघते नहीं हैं, तो कभी मंदिर में जाएं तो इस बात का ध्यान रखें। गुप्तेश्वर महादेव भी हैं, भगवान को हम यहीं से देखते हैं। पीछे रुद्राक्ष का पेड़ है, ठीक है? हाँ, वो लंबा सा रुद्राक्ष का पेड़ जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। अब रुद्राक्ष के लिए आप फोन मत करिए तुरंत तुरंत, अब इसको बड़ा होने दीजिए। हाँ नहीं, रुद्राक्ष देख लिया तो साधना भजन नहीं, स्वामी जी जरा दो रुद्राक्ष हमको भी भेज दीजिए, तो बड़ा होने दीजिए फिर प्रसाद आपको प्राप्त होगा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 राम। बहुत सुंदर स्वरूप है मैया का। हरे राम हरे राम 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 राम, ये अखंड धुनि यहाँ हमेशा अपने इसी स्वरूप में बनी रहती है। हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। ओहो नमस्ते, कैसे हैं छुपे रुस्तम? आपकी उम्र कितनी हो गई है? 19 साल हो गई है। पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ते हैं आप? 12। अब हम लोग किस तरफ चलेंगे, कृपया एक जने आकर के हमारा मार्गदर्शन करें ताकि जल्दी जल्दी हम स्थानों को, भगवान के स्वरूपों को इस बातचीत में शामिल कर पाएं, दर्शन कर पाएं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत।
यहाँ पर क्या होता है? ये योगशाला है, यहाँ योग भी होता है जी, और हनुमान जी की आरती पूजा है। स्वामी जी, जो यहाँ पर एक बड़ा आयोजन होना है आगामी माह में, उसके बारे में हमें। ये एक महीने का अखंड महामंत्र संकीर्तन हुआ जी, माने मॉर्निंग टू नेक्स्ट मॉर्निंग 30 डेज कंटिन्यूस, और साथ में यहाँ जो काली मंदिर है यहाँ अखंड हवन होगा जी, और बीच में काली की महापूजा है अमावस्या के समय में जी, और गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ, वो भी 30 डेज कंटिन्यूस जी, तो तीन स्थान में 30 दिन सतत ये प्रोग्राम होना है। बहुत सुंदर। बाहर के लोग अगर इच्छुक हैं तो वो भी आ सकते हैं? आ सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब और कुछ ऐसी जगह है जो इस वीडियो में ऐड करने की आवश्यकता हो? गौशाला। हाँ, गौशाला, गौशाला, चलो चलो गौशाला, चलो 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 गौशाला, चलो गौ मैया का दर्शन करो। सबके सामने गौ मैया दिखने लगी। अंदर भी आ सकते हैं? आ सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी गाड़ी है। हाय 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 हाय, अनसुईया है ये। जी 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 जी। अच्छा, ऐसे इनको मजा आता होगा ना, आनंद मिलता होगा। पूरा जाएंगे हाथ फिरवा। वो हमारे देखिए भोला जी 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 जी, आइए उसके पास आइए जी। भोला, सब आपको पहचानते होंगे ना? सब सब। जय हो, जय हो, जय हो नंदी बाबा की। तो गौशाला का जो संचालन है, जिम्मेदारी है, वो अभी किसके कंधे पर है? सब मिलके कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हेलो हेलो भैया जी, कैसे बच्चों? तो अब आगे चलते हैं। और कैसे होता है तो सारा कार्य? मैं तो यहाँ पर हमारे पास एक व्यक्ति है जो करता है, और हमने गाय को हम पूर्ण हमने चरी लगा रखी ऊपर जी 4 एकड़ में, तो हम वो चरी दोनों टाइम गाय को खिला रहे हैं, गाय को बाटा देते हैं, 9 प्रकार के अनाज को हम खरीद के पिसवा के जो बाटा होता स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य बहुत, और शतावरी है और अश्वगंधा है जी जी, ये सारी जड़ी बूटियां हम खिलाते ताकि घी में वो सब चीजें आती है। बहुत सुंदर। और यहाँ से हम घी जो है, ताकि हम क्यों चाहते हैं आत्मनिर्भर हो, डोनेशन बेस पे हमेशा नहीं रहना चाहते, यहाँ से घी हम आगे देते भी हैं। तो शुद्ध देशी गाय, बिल्कुल देशी गाय का घी है, गिर गिर गाय हमारी। कितना रुपया किलो बन जा रहा है ये? लगभग आपके 2000 रुपए किलो पड़ जाता है। 2000 रुपए किलो पर शुद्ध, बिल्कुल ये यही रेट है। और इसमें एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि ये हमारी गौशाला में बिल्कुल ये हमारा खर्चा है, इसमें प्रॉफिट नहीं है, हम बस पहुंचा पा रहे हैं, और जो धन आते हैं उसे गौ मैया की सेवा बस वही हो रही है गौशाला। यहाँ पर ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, पर ये कि जो गौशाला में लोग दान लेते हैं वो पैसे का दुरुपयोग हो जाता है, यहाँ वो नहीं हो रहा है, इस पैसे से गौशाला चल जाती है, प्रॉफिट नहीं है। बहुत सुंदर। अभी वर्तमान में कितनी गौ मैया है? अभी हमारे पास 14 लगभग गाय है बड़ी, एक हमारा ये भोला नाम है, हमारा नंदी है जी जी जी, और इनके ही बच्चे लगभग 10-12 है। चलिए अब बच्चों को देखते हैं, बच्चों से मिलते हैं। तो दिन भर गाय हमारी ये खुली रहती हैं जी, शाम के वक्त अंदर जाती हैं जी, क्योंकि ओस हो जाती है पानी जी, तो रात में खाना खाती हैं और खाने के बाद फिर बाहर। पंखे वगैरह सब लगे हैं, आप देख रहे हैं फर्श कितना साफ है, हमारी धोती भी है, धोते हैं ना इसमें, मतलब 3 या 4 दिन में जब हमको लगता गंदी हो गई तो वीक में कम से कम एक बार, और यह गंदी हो गई तो 3 से 4 दिन में ठीक हम इसको धो देते हैं। ठीक, और अंदर भी जो हमारी से हमने पार्ट कर रखे हैं कि नंदी जो रहते हैं छोटे बच्चे अंदर भी खुले ही रहते, बनते नहीं है, ये बहुत अच्छा है, हम बांधते नहीं है, ये बहुत अच्छा है, वो आजाद हैं, बंधन मुक्त हैं, और अंदर खाने समय भी आजाद हुआ। कुल कितने भूभाग में ये स्थान व्यवस्थित है? ये पूरा लगभग 9 एकड़ में पूरा आश्रम है, जिसमें गौशाला भी है, 9 एकड़ में स्कूल है जी, और सारे मंदिर है, और खेत भी है जो गायों के लिए हमने चरी लगा रखी है। शुरू में यहाँ पर जो हुआ था 3 एकड़ से शुरू हुआ था, 15 एकड़, फिर जैसे लोग आते गए कि यार आप गाय के लिए कर लीजिए, और ऐसे कर करके धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते गए आने वाले। वाह 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 वाह। और ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पर हमने केले भी लगा रखे हैं, ये इलायची केले होते हैं जी जी जी, तो अगर जिसे हम खुद भी खाते हैं और जो लोग आते हैं वो भी, जिनको केले चाहिए रहते हैं जी जी जी, केले भी यहाँ से ले जाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं इलायची केले हैं। तो हम लोग अभी विद्यालय परिसर की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर कमरे बने हुए हैं, और यहाँ भी
जो सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है वो है यहाँ ये रंगने की जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कैसे सुंदर ढंग से बॉर्डर बनाया गया है प्रवेश द्वार के किनारे किनारे। हाँ, गुरुकुल का रूप दिया गया है और बांस का वो खिड़की बना हुआ है, बीच में जो है फलों के पौधे लगाए हैं उन्होंने। हाँ, ये सीताफल है, सीता ये बच्चों का ही बनाया हुआ है। जी 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 जी, वाह 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 वाह, सुंदर सुंदर सुंदर। हाँ, वो बैठने का भी देखिए बड़ा सुंदर, ये किताबों को रखने के लिए नीचे भी जाती है और नीचे मैं और ये लिखने के लिए ऊपर नीचे बैठने के लिए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, पूरा ट्रेडिशनल जी। आप देखिए ऊपर बच्चों ने बना रखा है एक चित्र मानव हृदय चित्र जी। और हमारी यहाँ पर 4 या 5 क्लास अभी तो क्लोज है, तो क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही हैं जी जी। उसमें हमने टीवी लगा रखी, स्मार्ट टीवी, वाह, ताकि बच्चे उसमें स्टडी कर पाते हैं, बहुत सुंदर, टीचर्स दिखा सकते हैं वीडियो वगैरह। बहुत 4-5 क्लासेस यहाँ पर हैं, अभी क्लोज हैं जी, कोई बात नहीं। अब हम लोग प्रवेश मार्ग की तरफ से किचन में चलेंगे ताकि प्रवेश मार्ग का एक दृश्य फ्रंट से देख सकें सामने से। और ये स्थान के बारे में कुछ बताइए। भैरव मंदिर है, अभी थोड़ा पुताई का काम चल रहा है। भैरव मंदिर है, प्रोग्राम के हिसाब से। हाँ, रंग रोगन का कार्य चल रहा है। ठीक, अब हम सीधे प्रवेश करते हैं किचन में। तो आपने देखा कितना सुंदर ये स्थान है, अवश्य जब वक्त मिले तो यहाँ आइए, कुछ समय बिताइए और जो यहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साधन बताए जाते हैं, अभ्यास कराए जाते हैं स्वामी जी से रह के, उन चीज़ों को सीखिए समझिए। ये आश्रम का पाकशाला है, देखिए कितना सुंदर साफ स्वच्छ रूप में रखा गया है। अभी आखिरी पड़ाव है जहाँ पर हम पहुँच करके अपने सारे बातचीत को विराम देंगे। नर्मदे हर सीताराम, नर्मदे हर सीताराम, नर्मदे हर सीताराम, सीताराम। स्वामी जी ने आपने बहुत समय दिया हमें, बहुत बहुत साधुवाद। नर्मदे हर सीताराम, सीताराम, सीताराम।